नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नए विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। अधिकांश छात्र मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, भारतीय काव्य शास्त्र में किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए, या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए, मैं किन किताबों को पढ़कर पढ़ाता हूँ। तो इन सभी चीजों बातों का मैं आज निवारण करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबें किस उद्देश्य के लिए अच्छी हैं और किन में क्या कंटेंट अच्छा है जिनको मैं पढ़ता हूँ। तो मेरी लाइब्रेरी की कुछ किताबें हैं जिनके संबंध में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ छात्र यह भी पूछते हैं कि सर, काव्य सिद्धांत और काव्य शास्त्र में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे सिद्धांतों का संकलन जब हम किसी किताब में कर लेते हैं तब वह बन जाता है काव्य शास्त्र। जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है तो उसके अंतर्गत अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज का काव्य चिंतन, इन सारे सिद्धांतों को जब हम मिला देते हैं तब बन जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। उसी प्रकार जो भारतीय काव्य शास्त्र है, जितने हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि हुए हैं, जैसे आचार्य भरत मुनि का रस सिद्धांत, आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत, और जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जब हम मिला देते हैं तब वह बन जाता है भारतीय काव्य शास्त्र। तो इस प्रकार आपने इसका अंतर समझ लिया होगा। साथ ही आप लोगों का एक बात और कहना चाहूंगा, चाहे किसी भी कक्षा के सिलेबस में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये कभी सिद्धांत बदलते नहीं रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इसलिए आपके मन में जरा भी यह चिंता या संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, कि पीजी के लिए पढ़ा रहा हूँ, कि किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट तो सेम ही रहता है, बस समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता होगा दूसरों से। इसी प्रकार जो किताबों में जो हमारे विद्वान लेखक लोग जो लिखते हैं तो उनका लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग हो जाता है। कुछ लोग बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिखते हैं, और कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो थोड़ा कठिन शब्दों में लिखते हैं, कठिन भाषा में। तो चलिए देखते हैं भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए। और यदि आप मेरा यह लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो जो किताबों की आपकी तलाश है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ छात्र क्या होते हैं, बहुत सारी किताबों को तो खरीद लेते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है। तो आप ऐसा मत करिए, एक दो किताबें आप रखिए, और बहुत सारी किताबों को कम बार पढ़ने के बजाय आप कम किताबों को अधिक बार पढ़ें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की जो सबसे जो पहली किताब है वह है, मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा कि आपको यह खरीदना ही चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। इसमें क्या कंटेंट के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो पहला है भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना, यह है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब। तो यह मैं आपको दिखा रहा हूं, पता नहीं आपको उल्टा दिख रहा है कि सीधा, मुझे नहीं पता मेरे कैमरा में। तो यह विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी की जो किताब है इसके लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, भारतीय काव्य चिंतन, काव्य का स्वरूप, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जितने भी रस सिद्धांत, रस निरूपण, अलंकार के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, अलंकार निरूपण। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, सारे वाद दिए हुए हैं, यथार्थवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, बिंब और प्रतीक, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है ना। नई समीक्षा भी दी गई है, शैली विज्ञान, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, साहित्य का समाजशास्त्र, फिर हिंदी आलोचना का भी फंडामेंटल्स इसमें दिया हुआ है। तो छोटी सी किताब है, गागर में सागर है यह। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की यह किताब है, इसको आप जरूर लें, यह आपके पास होना ही चाहिए, इसको आपको खरीदना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सब मैं इन किताबों को मैं पढ़ता हूँ। पहली किताब ये हो गई, इसको आप जरूर रखें, और किताब आप चाहे ले चाहे ना ले, इस किताब को आप जरूर लें। दूसरी किताब है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की यह किताबें ज्यादा महंगी किताबें नहीं रहती हैं, बहुत ही, ये किताब आप देख सकते हैं यहाँ पर, लोक भारती प्रकाशन से यह प्रकाशित हुई है किताब, और इसके ये भी बहुत जाने माने विद्वान हैं। इनमें आपको बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक सर्वेक्षण, साहित्य का स्वरूप विवेचन, साहित्य और व्यक्तित्व, ऐसे बहुत सारे निबंधों का संकलन है। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, यह किताब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन यदि आप पहली वाली किताब ले लेते हैं तो यह किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो किताब आप नहीं खरीदते तो इसको भी आप मार्केट में जाकर जरूर देख सकते हैं। आपको मैं बता देता, यह कोई प्रायोजित मेरा लेक्चर नहीं है, ना ही मैं किसी किताब का यहाँ पर लिंक देने वाला हूँ कि आप यहाँ पर लिंक पर जाकर आप खरीद लें, कोई मार्केटिंग वाला यहाँ पर वो नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहा हूँ ताकि आप, आपके पास सही किताबें पहुँच सके,
क्योंकि आपकी सफलता में जितना मार्गदर्शन का योगदान है, जितना आपकी मेहनत का योगदान है, उतना ही उससे भी ज्यादा योगदान कहीं सही किताबों का है, वहां तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। तीसरी जो किताब है वह है पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब है, यह भी जाने माने विद्वान है। यह किताब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी विश्वविद्यालय वाराणसी प्रकाशन की यह किताब है। और अगर आप हिंदी साहित्य के आप छात्र हैं तो विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी की किताबें बहुत ही अच्छी होती हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं बता देता हूं आपको। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूरा आपको मिल जाएगा, और आधुनिक युगीन कला साहित्य चिंतन, मार्क्सवादी कला चिंतन, मनोवैज्ञानिक, अस्तित्ववादी, आधुनिक युग के नया साहित्य, ये सारे मिलेंगे। मतलब जितने भी सिद्धांत और वाद हैं, अस्तित्ववाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, नवे शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, कलावाद, कला कला के लिए प्रतीकवाद, बिंबवाद, प्राकृतवाद, अति यथार्थवाद, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की यह किताब है और यह किताब प्रकाशित हुई है विश्वविद्यालय प्रकाशन प्रकाशन वाराणसी से। तो ये किताब आपको अच्छी लगेगी तो ये किताब भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जाकर देख के पढ़कर देखना है, दो चार पृष्ठ तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी किताब आपके पास है। मैं सिर्फ उन्हीं किताबों की चर्चा कर रहा हूँ जिनको मैंने स्वयं पढ़ी है, क्योंकि जिनके जैसे देवेंद्रनाथ शर्मा जी की एक किताब है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में, वो किताब मैंने नहीं पढ़ी, आप देखिए, आपके प्रोफेसर भी बोलते होंगे इसको लेने के लिए। इसके बाद चौथी जो किताब है वह है पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ डॉक्टर सत्यदेव मिश्र। यह किताब भी बहुत अच्छी किताब है, मुझे भी यह किताब बहुत ज्यादा पसंद है। यह आप देख सकते हैं, यह है लोक भारती प्रकाशन की किताब है और बहुत ही बेहतरीन किताब है यह भी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा बता देता हूं मैं आपको, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। इसमें पाश्चात्य जितने भी विचारक हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लॉन्जाइनस, दांते, सर फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, एडिसन, सैमुअल जॉनसन, ये सारे मिलेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, वाल्टर पेटर, टी एस इलियट, रिचर्ड्स, हीगेल, मार्क्सवादी समीक्षक भी यहाँ देखने को मिलेंगे। मनोविश्लेषणवाद भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भी मिल जाएगा, और आत्मनिर्वासन, विडंबना, विसंगति या विरोधाभास जो प्रायः सुनते हैं, शास्त्रवाद अथवा आभिजात्यवाद, नवशास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतवाद, अति यथार्थवाद, कला का मूल्यवादी बनाम सौंदर्यवादी दृष्टिकोण, प्रतीक और प्रतीकवाद, बिंब और बिंबवाद, प्रभाववाद, अस्तित्ववाद। तो ये भी किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसको आप रिफर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटर ने लिखा हुआ है। और इन्हीं सारी किताबों को जब मैं बार बार पढ़कर आप लोगों को लेक्चर बनाता हूँ तो आप लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक लाइब्रेरी है छोटी सी और उसमें मैं किताबों को पढ़ते रहता हूँ। मेरे लेक्चर भले ही लेट में आते हैं लेकिन मैं प्रॉपर उस पर रिसर्च करता हूँ, इन सारी किताबों का अध्ययन करता हूँ, तब कहीं जाकर मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर आता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे छात्र मेरे लेक्चर्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं और मेरे नोट्स के ऊपर, और बहुत अच्छा मार्क्स भी लेकर आते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी कुछ और भी बढ़ जाती है। तो इसके बाद जो अगली किताब है, अगली किताब मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं एक शिकायत आप लोगों से भी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी बहुत छोटा ही चैनल है मेरा और लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के जरूर जाते हैं, लेकिन भरे मेरे लेक्चर्स कम होते हैं, लेकिन मैं क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें और मित्रों के साथ साझा भी जरूर करें। इसके बाद है पांचवी जो किताब है, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन। तो यह किताब थोड़ी महंगी किताब है क्योंकि मैंने इसको हार्ड बाउंड लिया हुआ है, लाइब्रेरी एडिशन की किताब है, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन। तो यह जो किताब है एक मोटी सी किताब है, जो बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए है, जो रिसर्च के लेवल पर जाकर इसको पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को खरीदें, क्योंकि यह ₹750 की किताब है और नमन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है ये किताब। तो भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर सत्यदेव चौधरी एवं डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त, इसमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ जो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी वो क्या है बता देता हूं मैं आपको। इसमें काव्य के जो अलग अलग विधाएं होती हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य, गीति काव्य, दृश्य काव्य, रूपक और नाटक,
कामदी मतलब कॉमेडी, समस्या नाटक एकांकी, कथा साहित्य का रूप और शिल्प, निबंध समालोचना, नई समीक्षा, जीवनी संस्मरण, रिपोर्ताज रेखाचित्र। तो बाकी चीजें तो दी गई हैं, साथ में इन सभी चीजों के बारे में इसमें विस्तृत तरीके से विवेचन किया गया है। तो यह किताब है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो हार्ड बाउंड की किताब है, 750 रुपए की किताब है। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत गहराई से अगर अध्ययन करना चाहते हैं या ये टॉपिक्स आपके काम के हैं तो इस किताब को आप जरूर लें। इसके बाद जो अगली किताब है, अभी एक डॉक्टर विवेक शंकर करके राइटर हैं, ये लिखते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के लिए। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के लिए, चाहे एमपी के लिए या फिर कहीं के लिए भी, तो डॉक्टर विवेक शंकर की जो किताबें हैं यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में प्रकाशित हुई हैं ये किताबें, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान सरकार के द्वारा इन्होंने प्रकाशित किया है इसे। तो ये बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं और बहुत ही गहराई से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर, तो सरकारी किताब कह सकते हैं इसको, क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसे प्रकाशित किया। तो यह भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। इस किताब को आप यदि यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर खरीदें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विवेक शंकर की किताबों को आप रिफर कर सकते हैं। तो इन्होंने तो पूरा भारतीय काव्य शास्त्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा ही हुआ है। इसके बाद इन्होंने काव्य शास्त्र के जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं उस पर विचार विमर्श किया है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार एवं छंद, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है। तो यह है, ये किताब आप देख सकते हैं। अगर आपको उल्टा नहीं दिख रहा होगा तो आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं, अमेजन वगैरह में यह उपलब्ध है। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि पहली बार मैं आप लोगों को किताबों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा कैमरा आपको उल्टा दिखा रहा है कि सीधा दिखा रहा है। तो यह किताब है। तो इसके बाद मैं अगली किताब की ओर बढ़ता हूँ। इसका मैं आपको कवर चूंकि मैंने पेस्ट कर दिया था मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो यह किताब है अगली किताब, भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर महेंद्र मधुकर, इनकी किताब है। तो अभी तक भारतीय काव्य शास्त्र की सबसे गहराई से लिखी गई ये किताब है, डॉक्टर महेंद्र मधुकर, और ये हार्ड बाउंड की किताब है जो मुझे वहां मैंने लिया था। इसको यहां पर एक बुक फेयर लगा था तो ये मैंने 1295 रुपए की किताब है, 10% यदि डिस्काउंट भी मिलता है तो 1295 मतलब 1300 रुपए की किताब है, मतलब 1100 रुपए मानकर चलिए। तो ये बहुत मोटी सी किताब है, हार्ड बाउंड किताब। भारतीय काव्य शास्त्र में यदि आप इस किताब को पढ़ लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में भारतीय काव्य शास्त्र का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में, किसी भी लेवल पर, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फिर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ हो, चाहे कॉलेज के एग्जाम है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही धैर्य की जरूरत पड़ेगी। तो जो रिसर्च के लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, या फिर अच्छा इसमें जो लिखने का जो तरीका है लेखक का, उन्होंने कैसे लिखा है बता देता हूं मैं आपको। इन्होंने जो विद्वान हुए हैं संस्कृत के, उनके नाम से उनके बारे में पूरी तरह से उनकी उनका विवेचन किया है। जैसे आचार्य भरत, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट, आचार्य वामन, आचार्य रुद्रट, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य राजशेखर, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ। तो ये तो इन्होंने इन आचार्यों के जितने भी मतलब उनके विचार हैं, राय हैं, उनको इन्होंने इसमें व्याख्या की, ये किताब है। तो इसको मैं कवर चिपका चुका हूं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, ग्रेजुएशन या पीजी, सीधे आप पढ़कर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, मतलब कोई किताब आपके पास ऐसी हो कि जिसको आप पढ़े और सीधा परीक्षा में लिखकर आ जाए उत्तर, तो यह है। और इन सब के बावजूद भी आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो दो वेबसाइट है www.hindishikhar.com और www.hindiadab.com, वहां पर जाकर जरूर देखें। मेरे सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे, मेरी वेबसाइट पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो इन सारी किताबों से जो सार तत्व है उसको इकट्ठा करके मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन नोट से लेकर आता हूँ, इसलिए आपको पढ़ने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है। तो वहां तो आप जरूर रिफर करें, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र ऐसा है जिसको यदि कोई आपको समझा दे तभी समझ में आता है, खाली किताबों से समझ में नहीं आता। तो ये जो किताब मैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, यह है डॉक्टर राम छबिला त्रिपाठी,
और यह कैलाश कैलाश पुस्तक सदन भोपाल से प्रकाशित हुई है यह किताब। तो यह बेसिकली मैं उन छात्रों को रिफर करूंगा जो सीधा इसको पढ़कर परीक्षा में जाकर लिख के आ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूं कंटेंट। इसमें पहला जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का विकास क्रम, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु के जितने भी सिद्धांत हैं, लोंजाइनस, ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी एस इलियट, आई ए रिचर्ड्स, अभिजात्यवाद, जो अलग अलग वाद हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, अभिजात्यवाद जिसको क्लासिसिज्म बोलते हैं, स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म, अभिव्यंजनावाद अर्थात एक्सप्रेशनिज्म, मार्क्सवाद अर्थात मार्क्सिज्म, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, शैली विज्ञान, स्टाइलिस्टिक्स, विखंडनवाद या विरचनवाद, थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन और उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इन सारी चीजों को इन्होंने समेटा है। तो यह ही बहुत ही बेहतरीन किताब है, यह उन लोगों के लिए जो सीधा परीक्षा में जाकर लिख के उत्तर आना चाहते हैं। यह किताब आप देख पा रहे हूँ, नहीं तो आप इंटरनेट में देख लीजिए, भोपाल से प्रकाशित हुई है यह किताब, बहुत ही विद्वान राइटर की किताब है। इसके बाद आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छे राइटर है उमेश तिवारी जी करके। तो यह श्री उमेश तिवारी जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। तो हिंदी जो लास्ट है नवीन 9 नंबर में यह है, यूनिक सूचना परक हिंदी साहित्य, शायद आप लोग इससे परिचित भी होंगे। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बहुत सारी किताबें ना खरीदें। कुछ छात्र क्या करते हैं, बहुत सारी किताबों को खरीद लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं उनको, है ना। तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही खरीदें, या फिर आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या किताब पढ़ें, मार्केट में आप जाकर देखें, आपको यदि उचित लगता है तभी इन किताबों को खरीदें, है ना। तो मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए यूनिक सूचना परक हिंदी साहित्य, उमेश तिवारी, इनका ये फोटो भी दिया हुआ है। तो जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं उतने सुंदर तरीके से इन्होंने किताब को लिखा हुआ है। तो ये तिवारी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। तो ये उनकी किताब है, ज्यादा महंगी किताब नहीं है, देख लीजिए, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है ये किताब, ये आप देख सकते हैं। तो अगर यूजीसी नेट जेआरएफ अगर इन सब की तैयारी करें तो ये किताब बहुत बेहतरीन है। बाकी तो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप कौन सी किताबें इनमें से आपके पास हैं और मैं कौन सी किताब किस परीक्षा के लिए उपयोगी है, मैंने आपको बता दिया है। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसा लगा और इन किताबों से आपको कितना लाभ हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।